दोस्तों आपने भारत के सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत बहुत देखी होगी। तमाम सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस पड़ी हुई हैं जिसमें आपने देखा होगा कि भारत के सरकारी स्कूल बहुत ख़राब स्थिति में हैं। कहीं पर बच्चों के बैठने के लिए पटरियां नहीं हैं, बेंच नहीं है, तो कहीं पर पीने के लिए पानी नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है, तो कहीं पर टीचर ही नहीं आती हैं। तो इस तरह की जो समस्याएँ हैं वो सरकारी स्कूलों में बहुत आम हो चुकी हैं। लेकिन आज आपको ले करके आए हैं एक ऐसे स्कूल में जहाँ पर कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है, कोई भी तरह की कमी यहाँ पर नहीं है, बल्कि हर तरीके से ये स्कूल किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। मैं आपको दिखा देती हूँ पहले इस स्कूल की तस्वीर। आप देखिए किस तरीके से इस स्कूल को देख करके ये कहा ही नहीं जा सकता है कि ये कोई सरकारी स्कूल है। जिस तरह से यहाँ की दीवारों पर पेंटिंग की गई है, जिस तरह का अनुशासन है बच्चों में, और उसके साथ साथ जो फैसिलिटीज़ इस स्कूल में हैं, प्रोजेक्टर से ले करके डिजिटल लैंग्वेज लैब और गार्डनिंग, तमाम चीज़ें यहाँ के बच्चों को सिखाई जाती हैं। इसके साथ लाइब्रेरी भी है यहाँ पर। स्कूल को इतना खास बनाया है यहाँ की हेडमास्टर ने। उनका ये कहना है कि उनकी सैलरी का आधा पार्ट इस स्कूल को बेहतर बनाने में, इस स्कूल को डिजिटल बनाने में खर्च होता है। तो आइए उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि इस स्कूल का ये जो सफ़र रहा है और इस स्कूल की ये जो बदलती हुई तस्वीर है वो कैसे शुरुआत हुई इसकी और कैसे सब कुछ किया उन्होंने। आइए उनसे मिलते हैं। तो इस स्कूल को, जो कि एक सरकारी स्कूल है, उससे बिल्कुल प्राइवेट जैसा रंग रूप और इसकी तस्वीर बदलने वाली वो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अल्पा जी, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि आपकी पोस्टिंग यहाँ पर कब हुई, कब आप यहाँ पर आई, और उस वक्त इस स्कूल की हालत कैसी थी? मेरा ट्रांसफ़र यहाँ पर 2010 में हुआ था और जुलाई 2010 में जब हम आए थे तो यहाँ पर हमें 24 बच्चे मौके पर मिले थे। और उस दौरान हम लोगों ने फिर, जब 24 बच्चे थे तो हमें लगा कि अब हमें बच्चों की संख्या को कैसे बढ़ाएं, तो हम लोग ने घर घर जाके अभिभावकों से संपर्क किया, बच्चों के गार्जियंस को समझाया। तो उस समय का जो सिनेरियो था कि लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजना नहीं चाहते थे, तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को मेहनत करनी पड़ी। कि हम थे और मेरे साथ में यहाँ पे एक शिक्षा मित्र थी, तो हम दोनों लोग गांव-गांव जाकर बच्चों के घरों में जाके जो है ये बात करते थे गार्जियन से और समझाते थे कि नहीं आप भेजिए, कुछ होगा। फिर डर था लोगों के मन में, गांव वाले क्या सोचते थे? उस समय तो यहाँ पर बच्चे कम थे, इस वजह से कि उन्हें लगता था कि शायद सरकारी स्कूल है तो थोड़ा उदासीनता थी। हाँ, उदासीनता थी। और जो वेल ऑफ लोग थे गांव के, वो बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेजते थे, तो उन लोगों को समझाना थोड़ा सा ये था कि नहीं आप भेजिए भेजिए। फिर यहाँ पर हम लोगों ने बच्चों के साथ में बहुत सारे काम किए। फिर हमने यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट का वो शेड्यूल रखा, क्योंकि जो बच्चे आते थे वो क्या करते थे, सुबह में आते थे और पहले तो लेट आते थे। लेट आने के बाद जैसे ही एमडीएम उन्होंने लिया तो फिर वापस घर भाग जाते थे। तो उसके लिए फिर हमें लगा कि अब कुछ नया करना चाहिए, तो उनके लिए हमने 2 पीरियड्स रखे कि सुबह समय से आएँ, इसके लिए सुबह आर्ट एंड क्राफ्ट का पीरियड रखा और रात वो दोपहर तक बने रहें, मतलब बीच में भागे नहीं। तो इसके लिए एक पीरियड दोपहर में क्रिएटिविटी का रखा, लास्ट पीरियड। तो ये फर्स्ट और लास्ट पीरियड जो है उसका ये असर हुआ कि बच्चे जल्दी स्कूल आना शुरू किए, क्योंकि उनको उस समय बहुत नया सा लगा कि आर्ट एंड क्राफ्ट होता था या कोई चीज़ें मैडम बनाना सिखाती हैं, तो जाएं सीखें। और गांव वाले में जो उनके अभिभावक थे वो भी भेजते थे कि नहीं जाओ सीखो, जाके कुछ सिखाया जा रहा है। तब वो बच्चे आते और फिर पूरा दिन रुकने का ये रहता था कि हाँ कुछ नया होगा। फिर उसके बाद असेंबली को हमने गतिविधियों का केंद्र बनाया कि असेंबली में प्रेयर के साथ में कविता, कहानी और जो भी बच्चे गाना, ये सब जो भी एक्टिविटी करना चाहते थे वो प्रेयर में करवाते थे असेंबली प्रेयर के बाद। ठीक है, इस स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या बदलाव आप लेकर के आई हैं? केवल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, इसके अलावा जो कुछ फैसिलिटीज़ इस स्कूल में हैं वो हमें एक एक करके आप बताएं। जिस समय हमने इस स्कूल में ज्वाइन किया था तो हमें यहाँ पे, आप जो दीवारें देख रहे हैं, बस उतनी ही चीज़ें थीं यहाँ पे। और 2-3 रजिस्टर जो कि सीमेंटेड जो अलमीरा आपको ओपन अलमीरा दिख रही है उसमें रखी होती थी खाली। फिर धीरे धीरे करके पहले बक्से, अलमीराज मंगवाया। इसके बाद यहाँ पर जो पौधे बिल्कुल नहीं थे, अभी आपको लॉन और पौधे दिख रहे हैं, ये पूरी बंजर ज़मीन लगती थी। तो सबसे पहले तो उसको, क्योंकि हमें ग्रीनरी पसंद है, हमने इसमें बहुत सारी मिट्टी डलवाई, फिर इसमें हमने खाद मिलवाई और फिर पौधे लगवाए और घास वगैरह। ये घास पूरा एक गार्डन तैयार हो चुका है। हम आपको वहाँ की भी तस्वीर दिखाएंगे। पेंटिंग्स मैंने देखी जब मैं आपके स्कूल में आई तो बाहर से ही आपका स्कूल जो है वो हमें दिख गया क्योंकि इतना कलरफुल है, इतनी सारी पेंटिंग्स हुई हैं। ये पेंटिंग्स कब करवाई आप? ये पेंटिंग्स जो है ये इनिशियली हमने 2013 से हमने पेंटिंग्स करवाना शुरू किया था, लेकिन तब क्या था कि 12-13 में हमने पेंटर्स को बुला के ही पेंटिंग करवाई थी, तो क्योंकि उस समय तक बच्चे हमारे तैयार नहीं हुए थे। लेकिन 2014-15 में हमने बच्चों के साथ में ड्राइंग और पेंटिंग पे बहुत काम करना शुरू किया। हमने बच्चों को ट्रेडिशनल पेंटिंग सिखाई, जैसे वर्ली पेंटिंग है, गोंड पेंटिंग है और लिपन आर्ट, ये सारी चीज़ें हमने बच्चों को सिखाई। और फिर जब बच्चे अच्छे हो गए, सीख गए, उनकी मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो गई, तब हमने उनसे कहा कि अब हम लोग चलो कोशिश करते हैं। हमारा गेट था एक, उसको पेंट करने की, तो हम लोगों ने गेट पे गणेश जी बनाए थे। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोगों को थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिला, नहीं अब और कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने कहा अच्छा वॉल पेंटिंग्स करके देखें। फिर मेरे दिमाग में आया कि ये बच्चे जो है, इंडिया के बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं जो इनको दिखाने लायक है, लेकिन हम इनको ले नहीं जा सकते। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना पेंटिंग्स बनवाते हैं। तो पहले इनसे पेपर में ये पेंटिंग्स बनवाई और उसके बाद फिर हम लोगों ने चौक पे स्केच किया, ये चौक से वॉल्स पे इसको स्केच करवाया। फिर हम लोगों ने पेंट करना शुरू किया। तो ये पेंटिंग्स जो इनिशियली बनाई थी वो हमने और हमारे बच्चों ने मिल के बनाई थी। आपको कई बार सम्मानित भी किया गया है, आपको पुरस्कार भी मिले हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किन किन लोगों द्वारा आप पुरस्कृत हुई हैं और क्या क्या सम्मान आपको मिल चुके हैं अब तक? देखिए, जो सम्मान होता है ना, ये एक जिम्मेदारी भी लाता है अपने साथ में, और इसके साथ साथ ये हमें काम करने की बहुत प्रेरणा देता है। तो 2012 में सबसे पहले एन.जी. सर यहाँ पे थे डीएम, तो उनको मेरे काम के बारे में कहीं से पता चला था। तो 2012-13 में एन.जी. सर के द्वारा एक प्रशस्ति पत्र हमको स्कूल पे भिजवाया गया था। अच्छा। तो वो पहला प्रशस्ति पत्र था। इसके बाद डाइट से हमें बेस्ट टीचर अवार्ड कॉन्जिक्यूटिवली 5 साल तक की मिला। इसी दौरान रूपायन अचीवर्स अवार्ड मिला जो कि आशा पारेख जी के हाथों हमें लखनऊ में मिला था। फिर बहुत सारी संस्थाओं ने सम्मानित किया, जैसे रोटरी क्लब ने भी किया, फिर यूथ आइकॉन से भी सम्मानित किया गया। बहुत सारे इस तरह से मिले। अभी LIC उसका प्रमाण जो है वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। देखिए, ये पूरा का पूरा जो अलमीरा है वो आपकी ही सर्टिफिकेट से, आपकी तस्वीरों से भरा हुआ है। और बिल्कुल आप डिज़र्व करती हैं क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो सरकारी कार्य करते हैं। लोग कहते हैं सरकारी नौकरी बड़े आराम की होती है, लेकिन ये मैडम जो हैं, ये सरकारी नौकरी को आराम जो लोग कहते हैं वो उसको बिल्कुल बदल करके रख दिया है इन्होंने। और ये मैडम यहाँ के बच्चों को भी पढ़ा रही हैं, बाहर जा कर के महिलाओं को भी शिक्षित कर रही हैं, और इसके अलावा जो तमाम तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उस पर भी ध्यान देती हैं। तो तिलोली के इस प्राथमिक विद्यालय में एक ऐसी फैसिलिटी भी है जो बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल्स में भी देखने को नहीं मिलती है। वो फैसिलिटी है यहाँ पर डिजिटल लैंग्वेज लैब की। अब इसके बारे में तो हम भी नहीं जानते थे, तो हम जब यहाँ पर आए और हमने बच्चों को देखा तो हमारे समझ में आया कि इस सिस्टम के थ्रू बच्चों की प्रोनंसिएशन स्किल्स को बेहतर किया जाता है। तो हमारे साथ इसी स्कूल के सहायक अध्यापक जी हैं। नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम विजय प्रताप चंद है। सर, हमें इस डिजिटल लैंग्वेज लैब के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए। ये डिजिटल लैंग्वेज लैब है और जिससे कि हम लोग बच्चों को प्रोनाउंसिएशन सिखाते हैं और प्रत्येक बच्चे का, एक एक बच्चे का हम लोग प्रोनाउंसिएशन सुन सकते हैं अच्छे से, और उससे फिर हम लोग उसको मतलब बता सकते हैं नहीं ये नहीं बोला जाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन ये होता है। अच्छा, तो इस सिस्टम का क्या काम है ये मुझे नहीं समझ आ रहा। ये सिस्टम वर्क करता है जैसे हम लोग इसका हेडफोन लगाए। हाँ। और प्रत्येक बच्चे से, प्रत्येक बच्चे के पास रिक्वेस्ट है, उसका बटन रिक्वेस्ट बटन है। अच्छा। तो बटन दबाएगा तो वो मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकता है। और अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो सारे बच्चों को सुनाई देगा, वो इंडिविजुअली सुनाई देगा। हाँ। ताकि वो मेरी आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट रूप से सुन सके। अच्छा, हर बच्चे को इंडिविजुअली सुनाई देगा। जो भी बच्चा अपनी क्वेरी आपके पास ले आएगा उसको आप सही तरीके से उसको बता देंगे। और ये चीज़ जैसे अभी सारे बच्चों के पास हेडफोन्स हैं, वो आपसे डायरेक्ट पूछते होंगे। और देखिए, अभी यहाँ पर बच्चे हैं वो रीडिंग करेंगे। रीडिंग के दौरान उनसे जो भी गलती होगी प्रोनाउंसिएशन में वो सर जो है उसको बेहतर करके बताएंगे। जी। गाजर खाने गधा ने मना कर दिया। मेरा प्रश्न का उत्तर सही था। सर एक जानकारी जो आप हमें दीजिए वो ये है कि ये जो मशीन है आपके पास ये फंक्शन, मतलब अगर मान लीजिए इस बच्ची को आपसे कोई सवाल करना है तो आपको कैसे पता चले? इस बच्चे को अगर कोई सवाल करना है तो उसके डैशबोर्ड पे रिक्वेस्ट बटन का एक बटन बना हुआ है। जब उसको वो रिक्वेस्ट बटन दबाती है तो यहाँ पे उस नंबर का वो ब्लिंक करने लगता है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद हम उस नंबर को डायल करते हैं तो सिर्फ उस लड़की से कॉन्टेक्ट हो पाता है, ना कि दूसरों से। तो देखिए ये जो है अपने आप में एक बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चों की प्रोनाउंसिएशन को अच्छा करने के लिए। ये आइडिया कैसे आया आप लोगों को और कब से इम्प्लीमेंट किया आप? हम लोगों ने असेंबली में, मतलब मॉर्निंग असेंबली में जब भी कुछ करवाते थे, मतलब पोएम वगैरह, तो बच्चों की प्रोनाउंसिएशन बहुत गड़बड़ होती थी। बच्चों के नाम जैसे गार्जियंस के नाम भी वो मतलब गलत बताते थे। तो इस वजह से हम लोगों को लगा कि मतलब एक एक करके उन लोगों को बताया जाए तो सुधार आएगा। वहाँ तो बताते हैं, फिर वो 10 दिन बाद वही मेहनत को मेहनत करने लगते हैं। ऐसे मतलब कोर्स बहुत सारी चीज़ें हैं उसको वो गलत प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देती हूँ, जब अभी सर ने आर्ट एंड क्राफ्ट की बात की है तो मैं आपको ये अलमारी दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आर्ट एंड क्राफ्ट की वो तमाम कलाकृतियाँ यहाँ पर जो है वो बच्चों द्वारा ही बनाई गई है ना? अच्छा, हाँ, ये सब बच्चे द्वारा बनाए गए हैं, बच्चे द्वारा। और यहाँ पर देखिए ये जो छोटी सी कलाकृति है ये टेराकोटा की है। टेराकोटा की समर वेकेशन आते हैं और वो सिखाते हैं, तो देखिए छोटी सी बच्चे, किसी छोटे से बच्चे ने इसे बनाया है और कितनी खूबसूरती से इसमें कलाकृति उस बच्चे ने की होगी। और ऐसे न जाने कितने बच्चे, कितने प्रतिभावान बच्चे हर गांव में पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ की तस्वीरें हैं। मैं एक बार आपको इस लाइब्रेरी की सैर करा देती हूँ। ये लाइब्रेरी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी में तकरीबन 8000 से ज़्यादा किताबें मौजूद हैं। मैं आपको यहाँ भी दिखा देती हूँ। ये देखिए आप किस तरीके से कोर्स की बुक्स भी हैं, इसके अलावा स्टोरी बुक्स हैं, इसके अलावा यहाँ पर कॉमिक्स भी मिल जाती हैं। बाल हंस हो गया, चंपक हो गया, इस तरह की जो कॉमिक्स हैं वो भी बच्चों को दी जाती हैं पढ़ने के लिए। ये जो है ये सारी स्टोरी बुक्स हैं। ये तमाम चीज़ें जो है वो लेखकों की कहानियाँ हैं, कथाएँ हैं और इसके साथ यहाँ पर कोर्स की बुक्स भी जो है वो मौजूद हैं। कुल मिलाकर के 8000 किताबें जो हैं इस लाइब्रेरी में हैं, जो कि आम तौर पर सरकारी स्कूलों में देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों इस स्कूल में इन तमाम फैसिलिटीज़ के अलावा अभी इस ऑफिस में बैठे बैठे हमें 4-5 चीज़ें नज़र आ रही हैं जो आपको अन्य सरकारी स्कूलों में देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर ऑटोमेटिक बेल है, इसके अलावा आप यहाँ पर इन्वर्टर भी देख सकते हैं, स्टेबलाइज़र भी है और भी तमाम चीज़ें हैं। और उसके बारे में जानकारी हमें मैडम ही दे पाएंगी क्योंकि इतनी सारी चीज़ें कि याद रखना ही मुश्किल हो जा रहा है। तो पहले तो आप हमें ये बताइए कि जो आपने हमें बताया कि ऑटोमेटिक बेल है उसका कार्य क्या है और उसको लगवाने का मतलब क्या रीज़न था, क्यों लगवाया? जो ऑटोमेटिक रिंगर है वो हम जैसे टाइम सेट कर देंगे उसी सेट टाइम पर वो अपने आप रिंग करेगी। तो ये बच्चों के जो पीरियड्स हम लोग चेंज होते हैं ना, तो हम लोग नॉर्मली घंटी लगवाते थे लोग, तो उसमें क्या होता था हमारे यहाँ बच्चे ज़्यादा थे और रसोइया जो है वो बहुत परेशान हो जाते थे खाना बनाते समय। और उसी में जैसे मान लीजिए कोई काम करते समय उनको 5 मिनट लेट हो गया तो वो पीरियड जो है 5 मिनट बढ़ गया या घट गया। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने सोचा कि हम ऑटोमेटिक रिंगर लगाते हैं। तो ये ऑटोमेटिक रिंगर हमारे यहाँ पिछले 4 साल से है और अच्छा काम कर रहा है। चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ वो ये है कि यहाँ का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि पूरी तस्वीर जो बदली है आपने इस स्कूल की, उसमें खर्च कितना आया और उसमें आपका योगदान कितना रहा? हालांकि योगदान सिर्फ खर्चे से नहीं नापा जा सकता है, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल जानकारी के लिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए खर्चे की अगर हम बात करें ना, तो हम अगर खर्चे को कैलकुलेट करना शुरू करेंगे जिस दिन, तो उस दिन हम स्कूल पे खर्च करना छोड़ देंगे। तो इसलिए जब से हमने स्कूल में अपनी ओर से कुछ एफर्ट करना शुरू किया तो हमने पैसा नहीं गिना कभी भी। वो चाहे बच्चों के लर्निंग लेवल को इन्हेंस करने के लिए हमने प्रिंटर लिया हो या वर्कशीट्स प्रिंट की हो या हमने जो है बच्चों के लिए वर्कबुक्स प्रिंट करवाई हो, हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम कितना पैसा बच्चों के लिए खर्च कर रहे हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर भगवान ने हमको थोड़ा सा दिया है तो हम उसमें से कुछ हिस्सा इन बच्चों के लिए या ज़रूरतमंदों के लिए निकाल सकते हैं। और मेरे लिए अगर हम इन बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं तो मेरे लिए इनसे ज़रूरतमंद कोई नहीं है। तो इस सोच के साथ में हमने बिना कैलकुलेट किए पैसा लगाया और अभी भी लग रहा है। तो ये तो नहीं पता कि कितना लगाया, हाँ, लेकिन जब स्कूल में ज़रूरत होती है तो मेरी ओर से पैसा निकल जाता है। अंत में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी और ख़ास तौर से सरकारी स्कूल को लेके जो धारणा बनी हुई है उसको कैसे बदला जाए, ये भी हमें बताइए। देखिए, अगर सरकारी स्कूलों की धारणा की बात करें तो सभी सरकारी स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षक हैं और ये एक पता नहीं क्यों ऐसी टेंडेंसी लोगों के दिमाग में है या एक ऐसा कह सकते हैं कि मानसिकता है, मेंटालिटी है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। लेकिन होता क्या है कि बच्चे जो हैं, बच्चों के जो गार्जियन हैं, वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, इसलिए पढ़ाई नहीं हो पाती। बच्चों को अगर रेगुलर स्कूल भेजें तो हर टीचर अपना 100% देने की कोशिश करता है। मेरा संदेश हर किसी के लिए यही है कि कम से कम अगर आप क्वालिटी चाहते हैं तो आप बच्चे को स्कूल भेजिए और जब बच्चा स्कूल जाएगा तो वो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेगा। ऐसा बच्चा भी जिसका लर्निंग लेवल बहुत कम होगा या बहुत धीमे जो स्लो लर्नर्स होते हैं वो भी कुछ तो सीखेंगे, उठने बैठने के तौर तरीके या लाइफ स्किल्स सीखेंगे और एक अच्छे जीवन के लिए लाइफ स्किल्स भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों, ये है तिलोली गांव के इस प्राथमिक विद्यालय की कहानी, एक ऐसा विद्यालय जहां पर एक वक्त में केवल 24 बच्चे आया करते थे। गांव वालों को ऐसा लगता था कि भाई सरकारी स्कूलों में बच्चों को भेजकर आखिर क्या होगा, शिक्षा दीक्षा तो मिलती नहीं है। तो ऐसे में इस गांव में जो लोग थे उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों में अपने बच्चों को भेजना बंद कर दिया। लेकिन इस गांव की, इस प्राथमिक विद्यालय की तस्वीर बदल दी यहाँ की हेडमिस्ट्रेस, जिससे हमने आपकी बात कराई, अल्पा निगम, जिन्होंने अपने कार्य से इस पूरे प्राथमिक विद्यालय को एक प्राइवेट स्कूल जैसी तस्वीर दे दी। और इस स्कूल में बच्चे ना केवल अच्छे से शिक्षित होते हैं बल्कि इसके साथ ही बच्चों के एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान दिया जाता है। बच्चों को डांस सिखाया जाता है, बच्चों को वाद्य यंत्र भी सिखाए जाते हैं और साथ में बच्चों के प्रोनाउंसिएशन पर भी काम होता है। तो दोस्तों, ये सरकारी स्कूल अब प्राइवेट की तरह से बन चुका है। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ग्रामीण न्यूज़ ऐसी ही स्टोरीज़ को लेकर के आने का कार्य करता रहेगा, गांव में जाएगा और गांव में जब भी हमें कुछ इंस्पिरेशनल मिलता है तो वो स्टोरी हम आप तक लेकर आते हैं। आपको हमारी ये पहल कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।